गाइस, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, तो आपके लिए लैमिनेट्स, मतलब कि जो सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, किसी भी प्लाई इन सब चीजों के ऊपर जो लगाया जाता है लैमिनेट्स, उसकी नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें काफी वेरिएशंस होते हैं और ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी ही चाहिए कि कौन से टाइप के लैमिनेट्स होते हैं, क्या थिकनेस होता है, क्या साइज होता है, ताकि अगर आप एक स्टूडेंट है बाद में प्रोफेशनल फील्ड में जाए तो आपको एम्बैरेसिंग ना फील हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और ऑफिस में लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इन चीजों का नॉलेज पहले से हो। तो मैं उसी के बारे में आज एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा क्या साइजेस में आता है, क्या ग्रेड्स होते हैं और किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, ये मेरे पास एक कैटलॉग है, मैं आपको कैटलॉग के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, पहले मैं टेक्निकल डिटेल के साथ स्टार्ट करूंगा। तो जो भी आप लैमिनेट लेंगे, उस लैमिनेट का कुछ स्टैंडर्ड्स होता है और उसी हिसाब से उन लैमिनेट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। सिर्फ प्राइसिंग और लुक्स पे आप मत जाइए, क्योंकि काफी ग्रेड्स और काफी सारे डिटेल्स होते हैं जो पैरामीटर्स फुलफिल करने चाहिए एक अच्छे लैमिनेट के लिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस, थिकनेस, वेट, अपीयरेंस, और उसके बाद फिर काफी सारे सिगरेट बर्न्स, जैसे कि ये लैमिनेट के ऊपर सिगरेट अगर रखे तो कितने देर में वो बर्न होगा, उसका फायर रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद आप ये सब भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे स्टेन्स और ये सब चीजों के लिए भी लैमिनेट को प्रोटेक्टिव बनाया जाता है। उसी के अकॉर्डिंगली उसका एक ग्रेड होता है, आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेडिंग डिवाइडेड होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे VGS और HGS है। तो वो VGS क्या होता है, VGS होता है कि वर्टिकल ग्रेड स्टैंडर्ड, जो लैमिनेट्स आप वर्टिकली आप लगाते हो वो, और एक जो हॉरिजॉन्टली लगाते हो वो, और साइज भी इसमें दिया हुआ रहता है। तो जनरली मोस्टली सारे लैमिनेट्स 8 feet x 4 feet के आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और जो थिकनेस होता है वो 1 mm होता है। अब ये जो थिकनेस है ये डिफरेंशिएट कर सकता है कंपनी टू कंपनी, और इसीलिए आपको कुछ सस्ते मिलते हैं और कुछ महंगे लैमिनेट्स मिलते हैं। तो इसका एक मैं पूरा कंप्लीट PDF भी मैं डाल दूंगा, जिसमें और डिटेल्स में दिया हुआ है कि VGS क्या होता है, HGS क्या होता है, एक कंपनी का मैं निकाल के आपको अच्छे से इस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगा, उसको भी आप पढ़ें तो आपको अच्छे से नॉलेज होगा हर एक टर्म्स के बारे में और कैसे ये ग्रेड्स को रीड किया जाता है उसके बारे में भी, ठीक है। तो मैं पहले टाइप ऑफ लैमिनेट्स के आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं आपको ये सूड फिनिशेस को हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग मैट फिनिश बोलते हैं, सूड फिनिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो अब मैं क्लोजली आपको दिखाऊं तो इसका सरफेस आप देखिए कि काफी रफ सरफेस है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो जो सरफेस है काफी रफ सरफेस है और इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने लैमिनेट्स आपको प्रोवाइड करा रही है, कितने कलर्स के ऊपर। तो ये हो गया मैट फिनिश या फिर सूड फिनिश, जिसको आप बोल सकते हो। देखिए SF जो लिखा हुआ है, SF का मतलब होता है सूड फिनिश, इसीलिए इसका कोड SF में आता है। तो जितने भी लैमिनेट्स होंगे जो आपको प्लेन कलर में आएंगे वो इस तरह के सूड फिनिश होंगे। अब मैं बता दूं इसका एप्लीकेशन। तो ये जब आप जैसे स्टडी टेबल, वर्किंग प्लेस ये सब में लगाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बट अगर आप किचन और ये सारे एरियाज में लगा रहे तो आप हाई ग्लॉस लगा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा हाई ग्लॉस कैसा होता है और उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो कम होता है कंपेरेटिवली टू हाई ग्लॉस या फिर एक्रेलिक ये सारे शीट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉइल्स। तो ये थोड़ा मेटालिक फिनिश में रहता है, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ विथ शाइन। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये काफी शाइनी सरफेस होता है इसका। तो ये सारे हो गए आपका फॉइल फिनिश में, ठीक है। उसके बाद देखिए, यही जो सूड फिनिश मैंने कहा था मैट फिनिश, उसका ये वुडन टेक्सचर्स में है। अब ये देखिए, तो ये वुडन फिनिश है सिर्फ, इसमें अभी टेक्सचर नहीं है। टेक्सचर और सिर्फ नॉर्मल फिनिश में क्या डिफरेंस है कि ये जो सरफेस है ये एकदम प्लेन है, और जब आप टेक्सचर आएगा तो ये सारे आपका 3D में रहेगा, मतलब कि हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, जैसे कि रियल वुड रहता है वो। उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखलाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब वुडन फिनिश है, ठीक है, जो कि मैट फिनिश में है आपका। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब आप किचन में अप्लाई करिएगा तो वो कैसा दिखेगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, ये कुछ और एग्जांपल्स है, ठीक है। मैं ये रहा आपका हाई ग्लॉस, ठीक है, ये वुडन फिनिश में है। अब देखिए मैं साइड से दिखलाता हूं आपको, देखिए ये कितना ग्लॉसी है, इसमें काफी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है,
और शायद कैमरे पे आपको उतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा कि एग्जैक्ट इसका कलर क्या है, क्योंकि जब आप सामने से देखिएगा तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा इसका कलर क्या है। देखिए आप वुडन फिनिश में, तो ये काफी ज्यादा ग्लॉसी होता है। अब ये सब आप किचन में यूज कर सकते हैं। आप देखिए मोस्टली आप इस तरह से जो आप पिंटरेस्ट या फिर गूगल पे आप जो देखते होंगे पिक्चर्स सुंदर सुंदर किचन्स के, तो इस तरह के लैमिनेट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अब ये हो गए आपका जो बोल्ड कलर्स होते हैं, जो नॉर्मल सॉलिड कलर्स होते हैं उस पे हाई ग्लॉस। आप ये देखिए, आप इसका देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन, और जो मैंने सूट फिनिश आपको दिखाया इसका रिफ्लेक्शन है ना, काफी डिफरेंस। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ये सब मोस्टली आप ऑफिस स्पेसेस, जैसे देखिए आप यहाँ पे ये जो ऑफिस स्पेस यहाँ पे इन्होंने बनाया है, ये सिर्फ लैमिनेट से बनाया गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और काफी मॉडर्न लुक भी लग रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग हाई ग्लॉस में ही ये वुडन फिनिश है इसका, ये देखिए हाई ग्लॉस का ही ये वुडन फिनिश, ठीक है। अब हाई ग्लॉस में ही आपका थोड़ा अपर ग्रेड में जाइएगा तो आप एक्रेलिक भी आप ले सकते हैं। तो एक्रेलिक क्या हो गया कि वो भी हाई ग्लॉस की तरह रहता है, बट उसका रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा रहता है, मतलब कि जो ये हाई ग्लॉस मटेरियल है उससे भी ज्यादा रिफ्लेक्शन एक्रेलिक शीट का होता है। पर एक्रेलिक शीट आपको महंगा मिलेगा और उसमें स्क्रैचेस थोड़ा जल्दी विजिबल होंगे, क्योंकि जितना आप वो देखिएगा स्मूथ सर्फेस उसमें स्क्रैचेस उतने जल्दी विजिबल होंगे। देखिए जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको छोटे छोटे स्क्रैचेस भी इसमें दिख रहे होंगे। इवन आप देखिए कि कैटलॉग में भी इन्होंने एक बटर शीट बीच में लगाया है, तो ये बटर शीट भी इसलिए क्योंकि ये स्क्रैच ना पड़ जाए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप इंटीरियर में आप यूज कर रहे हैं, तो कल को जाके आपका कस्टमर आपको कहेगा कि यार इतने जल्दी इसमें स्क्रैचेस आ गए, आपने अच्छा मटेरियल नहीं लगाया। तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप क्लाइंट के लिए फेस हो, तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगाना है। और अगर आप एक कस्टमर साइड से भी देख रहे हैं तब भी आप इन चीजों का ध्यान रखो कि जो आपको डिजाइनर बोले सिर्फ उस पे नहीं जाना है, आपका खुद का भी एक रिसर्च होना चाहिए। अब देखिए, अब ये सब हो गया टेक्सचर फिनिश में, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये थोड़ा 3D इफेक्ट में आप ये सब देखिए, तो ये जब इसको टच करेगा तो ये जैसे जैसे इसमें डिजाइन बने वो सब थोड़ा 3D इफेक्ट में है। देखिए बबल्स जितने भी इसमें बने हुए हैं वो सारे इस तरह 3D इफेक्ट में है। मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, आप ये सब देखिए, तो ये बिल्कुल इस तरह से 3D इफेक्ट में है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन के बाद ये इस तरह से इतना सुंदर दिखेगा, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊं, ये सब फ्लोरल डिजाइन है, ठीक है। ये सब आपने काफी दुकानों में देखा ही होगा, बट ये हल्का सा ओल्ड ट्रेंड हो गया है, तो मैं इसे ज्यादा तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ काफी जगह अभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन इसका है, तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि हल्का सा ओल्ड ट्रेंड हो गया है, अब ज्यादा इतना डिजाइन यूज नहीं होता, अब ज्यादा लोग सॉलिड कलर्स ही प्रेफर करते हैं और लाइट कलर्स। बट फिर भी आप अगर मोस्टली मैक्सिमम एरियाज को सॉलिड कलर में करें और कुछ एरियाज को आप इस तरह के हाइलाइटेड लैमिनेट्स के साथ करें तो काफी सुंदर दिखेगा, ठीक है। मैं आपको ये देखिए, अब ये रहा आपका प्रिंटेड लैमिनेट्स, ये सब जो ये प्रिंटेड, ये 3D नहीं है, ये सिर्फ प्रिंटेड है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप मोस्टली सॉलिड यूज करिए, आप यहाँ ऊपर नीचे हर जगह सॉलिड यूज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमने प्रिंटेड यूज किया, तो उससे क्या हुआ कि ये फिनिश इसका काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं हम पूरे में ही अगर ये प्रिंटेड लैमिनेट लगाते तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक कबर्ड का एग्जांपल है, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए, अब ये हो गया आपका एक और 3D प्रिंट, देखिए इस तरह का ये पूरा लैमिनेट आएगा और उसके एप्लीकेशन के बाद वो ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 3D इफेक्ट भी काफी अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह के 3D लैमिनेट्स भी ले सकते हैं प्रिंटेड। हल्का सा आपको हाई प्राइस तो पड़ेगा ही, बट लुक में काफी अच्छा लगेगा आपको। देखिए और ये सारे प्रिंटेड में हो गए। तो गाइज इस तरह के और लैमिनेट्स के लिए और इससे ज्यादा और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, उसमें PDF रहेगा, वो PDF डाउनलोड करके आप खुद भी थोड़ा रीड करें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले, इंटरनेट पे और रिसर्च करें। और इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बताएं, मैं और डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बना दूंगा, जो चीजें मैंने कहा VGS HGS ये सब चीजों के बारे में भी मैं एक वीडियो में ही बता दूंगा आपको।
और इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ, इवन जो आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स चाहिए उन चीज़ों के बारे में भी लाता हूँ, जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए उन चीज़ों पर भी लाता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट है, तो मेरे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी रिसर्च करें, खुद से भी पढ़ाई करें, क्योंकि इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आप जितना ज़्यादा नॉलेज लीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।